हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। भाई आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। टुडे वी आर गोइंग टू कंपेयर अ वेरी एक्सपेंसिव फुटबॉल टू अ वेरी चीप फुटबॉल। निविया स्टॉर्म, आप लोगों को पता है ये फुटबॉल मेरे चैनल पे काफ़ी बार आ चुकी है। 400, 435, 500 के अंदर आपको ये बॉल मिल जाती है। एंड दिस इज़ द न्यू अल रहीला फुटबॉल, जो कि भाई आप लोगों को कुछ 5000 रुपीज़ की मिल जाती है। 5000 वर्सेस 500 रुपीज़, क्या डिफरेंसेस है कंस्ट्रक्शन के अंदर, खेलने के हिसाब से कैसे है, फ्लाइट स्टेबिलिटी किस तरह लेग्स के ऊपर फील होता है, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज के वीडियो में। फीफा क्वालिटी प्रो बॉल जो ऑफिशियली मैचेस में यूज़ की जाती है, प्लस फुटबॉल जो कि आपको नॉर्मली स्पोर्ट्स की शॉप्स पे मिल जाती है, क्या डिफरेंसेस हो गए कंस्ट्रक्शन में, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। क्या आपने को इतना पैसा खर्च करना चाहिए 5000 रुपये, या फिर 500 रुपये के फुटबॉल में अपना काम हो जाना चाहिए, ये भी हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दिस इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट किलर वीडियो। एंड नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो पीपल। पहले हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन दोनों फुटबॉल्स का, 500 रुपये की फुटबॉल कैसे बनी हुई है और 5000 रुपये की फुटबॉल कैसे बनी है। पहले हम देखेंगे 500 रुपये की फुटबॉल किस तरह बनी है। पहले हम यहाँ पे आके देख लो किस तरह से बॉल बनी है, मैं एक एक करके आपको स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। फर्स्ट यू गाइस कैन सी, पहले तो ये एक 32 पैनल फुटबॉल है, ठीक है। 32 पैनल यानी कि ऐसे हेक्सागन्स 32 बने हुए हैं। दिस इज़ अ मोल्डेड फुटबॉल, यहाँ पे भी दिया हुआ है कि ये मोल्डेड है, जो कि जिसे आकार दिया जाता है गर्म करके उसे मोल्डेड कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो टॉप लेयर है नेचुरल टॉप लेयर है, ठीक है, इतनी खास नहीं है। आई मीन इन द क्वालिटी सेक्शन अगर हम देखें तो क्वालिटी वाइज ठीक है। जिसकी बॉन्डिंग है दैट इज़ ए लैटेक्स बॉन्डिंग, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। कोर अगर आप लोग इसका देखोगे, जो कि एक ब्लैडर कोर आप लोग को देखने मिल जाता है, विच इज़ रफली गुड। हार्ड एंड रफ सर्फेसिस के लिए ये फुटबॉल वैसे बनी गई है, निविया की है, निविया स्टॉर्म, तो ठीक है। ऊपर रबर अच्छा है ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी वाइज मात खाता है। अब चलते हैं हम हमारी 5000 वाली फुटबॉल के ऊपर, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि भाई कम ऑन लेट्स फेस इट भाई, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल है, ऑब्वियसली बेटर होने वाली है। नाउ अब ये बनी है 60% पॉलीयूरेथेन से, एंड 40% इसके ऊपर जो है पॉलिस्टर कवर दिया गया, जिससे जो स्मूदनेस है ना बॉल के ऊपर वो आपको फील होती है। अब इसके अंदर भी लेकिन ब्यूटाइल ब्लैडर है, ये एक सिमिलैरिटी है दोनों फुटबॉल के बीच में, लेकिन ये थर्मली बॉन्डेड है, जो कि थर्मली बॉन्डेड ऐसा होता है गर्म करके बनाई तो जाती है लेकिन इसे मोल्ड नहीं करते। इसका एक एक पीस, जैसे अगर आपको ये दोनों पीसेस कनेक्ट करना है ना, तो यहाँ पे गर्म करके दोनों पीसेस इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। 20 पैनल्स की फुटबॉल है, यानी कि इट्स अ फास्ट फुटबॉल, जो कि पैनल्स जिसके अंदर कम होते हैं, तो आजकल वो सारी फुटबॉल्स फास्ट होती है। थोड़ा लेदर का आप लोग फील ऊपर कर सकते हो, ऑब्वियसली बिकॉज पॉलीयूरेथेन और पॉलिएस्टर दिया गया है। फीफा क्वालिटी प्रो फुटबॉल है, कम्प्लीटली सीमलेस है यहाँ का कंस्ट्रक्शन, आप लोग देख सकते हो। वैसे तो यहाँ पे भी अगर ये फुटबॉल भी देखो तो ये भी सीमलेस ही एक तरह से, क्योंकि मोल्डेड है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको स्टिचेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे नहीं है। दिस इज़ एन ऑफिशियल फीफा क्वालिटी प्रो फुटबॉल, और ये भाई एक सादी सी फुटबॉल है, तो ये थोड़ा बहुत इसके अंदर फ़र्क पड़ जाता है। अब अपन करेंगे हमारे कुछ टेस्ट और फिर हम देखेंगे भाई बॉल्स में क्या डिफरेंसेस हमें देखने मिल जाते हैं। टाइम फॉर ड्रॉप टेस्ट, भाई सबसे बेस्ट टेस्ट तो मेरे को यही लगता है, ड्रॉप करके देखेंगे दोनों फुटबॉल्स को, हवा में फेंकूंगा और देखेंगे ड्रॉप कैसा फील होता है। एक है फीफा क्वालिटी प्रो फुटबॉल और एक है हमारी नॉर्मल रबर वाली फुटबॉल, जिसे आप लोग बोल सकते हो। लेट्स गो पीपल। ओके, आई थिंक उसका बाउंस ज़्यादा था, नॉइज़ भी उसकी ज़्यादा बेटर थी ऑब्वियसली, पर एक बार और हम फेंक के देखने वाले हैं। लेट्स डू इट अगेन फॉर सम मोर क्लैरिटी बेसिकली। चलो ओके, आई थिंक रिएक्शन टाइम एडिडास वाली बॉल का ज़्यादा अच्छा है, बाउंस आई थिंक कहीं ना कहीं दोनों सेम करती हैं, बट आई स्टिल फील एडिडास वाली थोड़ा सा रिएक्शन टाइम, यानी कि अगर रिएक्शन ज़्यादा फास्ट है तो बाउंस भी पहले ज़्यादा जल्दी ऊपर यही फुटबॉल चली जाती है। आई थिंक द पैनल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क ले आता है दोनों फुटबॉल्स के बीच में। चलो अभी कुछ और करके देखेंगे, पहले हम 500 रुपये वाली फुटबॉल के साथ जगल करके देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, हार्ड है, ओके हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है ये, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हार्ड आपको फील हो जाती है स्टार्टिंग के 2-3 टचेस में ही आप लोग को पता चल जाता है। नाउ द 5000 रुपीज फुटबॉल अपन इसके साथ करके देखेंगे, लेट्स गो। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट फील होती है, ईजिली उछल जाती है बॉल, तो बेसिकली फ़र्क ये रहेगा दोनों बॉल्स के बीच में कि ये ज़्यादा लाइट वेट आप लोग को फील हो जाती है, ईजिली उठ भी जाती है, सॉफ्ट भी फील होती है, और जो इसका कनेक्शन है फीट के साथ वो ज़्यादा बेटर है। अगर मैं थोड़ा और जगल करूँगा, वेट टाइम ज़्यादा करूँगा, तो ये बॉल स्टेबिलिटी वाइज ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी कंपेरेटिवली टू द
₹500 वाली फुटबॉल। अपन ड्रिबल करने वाले फुटबॉल के साथ मुझे एक्चुअली देखना है कि ट्रैवल टॉप के ऊपर कौन सी वाली फुटबॉल बेटर करती है। मेरे हिसाब से एडिडास वाली फुटबॉल करेगी, बट निविया स्टॉर्म जब हमने पहले टेस्ट किए बॉल के साथ तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया ये वाली फुटबॉल ने स्पेसिफिकली। Now, while dribbling people, the 5,000 rupees football बहुत ease और बहुत butter movement के साथ आगे जा रही थी, काफ़ी effortless dribbling लग रही थी to be very honest, but on the 500 rupees football, भाई थोड़ी सी ज़्यादा tough लगी, ज़्यादा rough लगी, क्योंकि भाई rough and tough surfaces के लिए football बनी है, तो हम उसको अगर grass के ऊपर ऐसे roll कर रहे थे तो थोड़ी बहुत रुक रही थी, was also sticking to my football shoes as well, थोड़ा बहुत मेरे अटक रहा था जब मैं dribble कर रहा था football, तो not because of my movement people, but because of the बनावट ऑफ द फुटबॉल किस तरह से थोड़ी सी मूवमेंट स्लो हो रही थी कंपेरेटिवली टू द 5,000 रुपीज फुटबॉल। टाइम फॉर सम शॉर्ट्स पीपल, ऑल्टरनेटिव करता रहूँगा मैं डिफरेंट जगहों से, पहले अलरेला मार ली, पहले 5,000 वाली मार ली, फिर 500 वाली मार लेंगे, फिर 500 वाली मार लेंगे, फिर 5,000 रुपये वाली मार लेंगे, एंड देन वील डिस्कस द फ्लाइट स्टेबिलिटी ऑफ द फुटबॉल एंड हाउ डज इट एक्चुअली ट्रैवल इन द एयर। अब शॉट्स लेने के बाद और सब चीज़ करने के बाद पहली बात मैं बता दूँ, जब आप शूट मारते हो ना तो भाई 500 रुपये वाली फुटबॉल को थोड़ा ज़्यादा दम लगाना पड़ता है उसको लॉफ्ट करने के लिए, बल्कि 5,000 वाली जो फुटबॉल है वो आराम से उड़ जाती है, उसमें इतना एफर्ट लगता नहीं है। एफर्ट लगता है लेकिन इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है, आपके टांगों को आपका एफर्ट पता चल जाता है। इसमें थोड़ी सी जो मूवमेंट है वो जो थोड़ी फ्लाइट लाने के लिए जो होता है ना, एक लॉफ्ट करते हैं फुटबॉल, वो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ईजी हो जाता है। ग्रिप वाइज भी मैं देखूँ तो 5,000 वाली फुटबॉल बहुत ज़्यादा आउटरन कर देती है 500 रुपीज़ वाली फुटबॉल को, लेकिन एक चीज़ है 500 वाली फुटबॉल में जो मैं नहीं कह रहा इसमें नहीं, इसमें तो सब कुछ है भाई, लेकिन इसमें जो एक चीज़ अच्छी है ना वो ये है भाई कि बॉल जैसे एक बार कनेक्ट होती है ना तो उड़ती बहुत अच्छी है, क्योंकि रबर है ये बॉल, ठीक है, आउटर लेयर रबर है, अंदर जो ब्लैडर है वो ब्यूटाइल है, जो बॉन्डिंग भी है इसकी वो लैटेक्स है, तो बॉल का जो फ्लाइट है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। शुरू में आपको लगता है कि हाँ भाई थोड़ी सी टफ लग रही है, थोड़ी सी भाई कड़क है एक तरह से, अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को तो थोड़ी कड़क फील होती है वाली फुटबॉल, लेकिन वंस यू गेट यूज टू इट ना तो बॉल ऊपर जाती है। आपने काफ़ी सारे शॉट्स देखे होंगे जो मेरे पोल्स पे भी लगे थे, तो भाई उस तरह से ये फुटबॉल का एक एडवांटेज ये हो जाता है। अब 5,000 वाली जो फुटबॉल है ना वो ईजिली मूव करती है, ईजिली टर्न कर जाती है, लेकिन इसको आपको करवाना पड़ता है। कैसे रबर वाली फुटबॉल ना फ्लाइट में कभी कभी अपने आप टर्न हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा विंड बीट करने की इतनी क्षमता इसके अंदर होती नहीं है, क्योंकि रबर है तो थोड़ी बहुत हवा में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं डायरेक्शन मिस हो सकती है आपकी, थोड़ी बहुत कहीं 19-20, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपको एक्चुअली डायरेक्शन खुद देना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर जो आप करोगे वही होगा। अगर आप एक कर्व देना चाहते हो कर्व होगा, एक नकल देना चाहते हो नकल होगा, अगर एक चिप देना चाहते हो तो चिप ही होगा। ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड है, ये उस मामले में उतनी ज़्यादा कंट्रोल आपके हाथ में हो नहीं सकती, थोड़ी हवा चल रही हो तो भाई थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ वहाँ इसकी हो सकती है। एंड नाउ टू कंक्लूड द वीडियो, ओके भाई ये वाली फुटबॉल जो है ना 500 वाली फुटबॉल ठीक है, उन लोगों को लेनी चाहिए जो भाई साथ मिलके फुटबॉल खरीदना चाह रहे, सोसाइटी में कंक्रीट पे खेलना चाहते हो, उस हिसाब से सही है। ग्रास पे चल जाएगी बॉल ऐसा नहीं है, पर अवॉइड करो तो बेटर है। पूरी परफॉर्मेंस अगर बेटर परफॉर्मेंस इसकी निकालनी तो आप इसको सीमेंट और रफ टफ ग्रासेस पे या सर्फेसिस पे लेके जाओ। ये वाली जो फुटबॉल है 5,000 वाली, ये तो क्लास है भाई, ये फुटबॉल में सब कुछ अच्छा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होती है, आप टर्फ पे यूज़ करें एंड
टू बी ऑनेस्ट इट्स एन इंसल्ट टू यूज़ अ 5000 रुपीज़ फुटबॉल एट सच अ स्मॉल टर्फ। बेटर रहेगा कि आप लोग इसको, अगर आप लोग के पास बड़ी जगह है, नॉर्थ वॉर्थ में काफ़ी बड़ी जगह होती है, ग्रास एरिया ज़्यादा है, मड एरिया ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे ऐसी फुटबॉल्स यूज़ करें तो वर्थ होता है, तब आपको बॉल का पूरा पोटेंशियल पता चल जाता है। सो भाई यही डिफरेंस है 500 रुपये वाली फुटबॉल और 5000 वाली फुटबॉल में, कि भाई 500 वाली फुटबॉल थोड़ी क्वालिटी वाइज भी थोड़ी चीप हो जाती है और ये क्वालिटी वाइज भी बहुत सुप्रीम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बीट कर देती है फुटबॉल को। सो पीपल दिस वॉज आर कंपेरिजन, होप यू लाइक डेट, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आप लोगों को, लगा हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैंने इस बार सोचा था यार थोड़ा सा वीडियो डिफरेंट करते हैं, 500 वाली फुटबॉल को 5000 से कंपेयर करके देखते हैं क्या फ़र्क आता है क्या नहीं। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है टू बी वेरी ऑनेस्ट, 5000 बहुत बड़ा फिगर होता है, 500 बहुत कम फिगर होता है, बट इट डिपेंड्स आप किस सिचुएशन में कहाँ से बॉल कौन सी लेना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं है 500 वाली फुटबॉल भी अच्छी होती है, लेकिन 5000 वाली फुटबॉल के मज़े अलग ही, ये थोड़ा सा कैसे बोल सकते हैं, दिस इज़ फॉर द क्लास एंड यू कैन से दिस इज़ फॉर द मास पीपल। सो नाउ आई थिंक यू शुड एंड दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब वापस याद दिला रहा हूँ कर देना, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो रोचक फॉर स्पोर्ट्स, एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।